ट्रैक्टर एंड भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। यो स्वराज 744 एफ ही यो कंप्यूटर घोड़ी तर खेत की लेवलिंग कर रहा है। और इस भाई तो मैंने पूछी थी दो बात भी, ये सोनालिका DI-60 थी कर आखिरी, तो उसका बारे में और इसका बारे में आप थोड़ा हा डिफरेंट बातें करेंगे कि इस ट्रैक्टर के में और उस ट्रैक्टर में कंप्यूटर घोड़ी में क्या फ़र्क है, इसका तेल का क्या खर्चा है और उसका तेल का क्या खर्चा है, दो बातें और भी करेंगे हम भाई से। तो ये वीडियो देखिए, घोड़ी चल रही है अभी, ये खेत की लेवलिंग कर रहा है। इसका करवाने का बहुत सा फ़ायदा होता है, अगर हमारे खेत में अगर ऊंचे नीचे जगह होती है तो उससे क्या होता है कि पानी एक तरह से रुक सा नहीं पाता और फसल भी बहुत ख़राब होती है। लेकिन जब ये कंप्यूटर घोड़ी जब खेत की लेवलिंग अच्छी तरह से हो जाती है तो पानी प्रॉपर तरह से ना खेत में इक्वल काम करेगा और फसल अच्छी होगी। और फसल में ना कभी ये नहीं होगा कि भाई एक जगह पानी रुक गया, एक जगह खड़ा हो गया या कहीं पानी बह रहा है, तो ना प्रॉपर तरह से ना वो पूरे खेत में पानी बहेगा तो फसल की पैदावार अच्छी रहेगी। तो भाई से बातें करेंगे, भाई के पास DI-60 भी ट्रैक्टर है, उसकी भी घोड़ी का काम कर रहा है, तेल की खपत का कोई सा RPM पे किस डाल का बढ़ चलाना चाहिए, ये सारी बात करांगा। तो भाई ये जो भाई हैं, ये इनके पास ये ट्रैक्टर और ये घोड़ी है, तो इनसे दो बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई के नाम अपनो? विक्की। विक्की नाम है, गाँव कोई सा जी अपना? डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो आप ये कितने सालों से स्वराज 744 से करते हो? ये तो साठ अच्छा सोनाली का 60 थी, आप काम करया करो, मतलब इसमें तो इसमें 55 कामयाब है, जो तो ट्रैक्टर कामयाब नहीं है घोड़ी। अच्छा घोड़ी में 55 थी, ऊंचा ट्रैक्टर कामयाब है? 60 बढ़िया ट्रैक्टर है, उस तौर ऊपर चल लगा तो और बढ़िया कामयाब। अच्छा तो आप ये 44 से भी कर रहे हो, DI उससे भी कर रहे हो, तो इसमें कोई फर्क तेल की खपत का बताओ सबसे पहले। ये तो लिया 5 लीटर लगभग लगभग एक घंटे में, एक घंटे में। और वो 6.5 लीटर का आर भर रहे हैं, मजा उसमें आवे है। आप घोड़ी खड़े तो वो खर्चा है, तो बस देश दृश्य मारने है उसमें कामयाब है बस। अच्छा यो थोड़ा दब सा जाए, वो दबे को नहीं खुल का काम करे है, काम जब अगला 2-3 घंटा काम हो, वो 2.5 घंटा में 2.25 घंटा में करते हैं। अच्छा बात वाई पड़ जाए, उससे फायदा हो जाए कि अगर बड़ो ट्रैक्टर है तो टाइम कम ले ले, वो तेल ज्यादा ले तो कम टाइम में काम करके दे दे किसान भाई को, भी खुश हो जाए, जो काम करवाने वो भी खुश हो जाए। अच्छा तो इस मशीन की कीमत क्या है लगभग भाई? अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट। अच्छा ये मतलब कितने साल से यूज कर रहे इस मशीन को आप? 14 में लिया थे, 2014 में लिया था। कितने रुपये लिया था जब? 14 में लिया था मैं सफेद ट्राली। अच्छा 2,95,000 की, 2,95,000 रुपया की यह लिया था, फिर 2 साल पाँच से 2016 में। कितना की या आई थी? 270 की। 270 नई ली थी कोई पुराने ली थी? अपन नई ली थी। अच्छा तो आप ये कंप्यूटर घोड़ी से काम कर रहे हो, तो मतलब इससे किसान भाई को क्या फायदा है? फायदा है नुकसान क्या है? एक तो चारों कोना में एक सी फसल हो। अच्छा जो बहुत बढ़ गया है। अच्छा और भाई इसमें 1 चार पान लगा तो भाई 1 चार खुराक मिला तो सारा 1 चार फसल फायदे। अच्छा तो मतलब ट्रैक्टर को कोई से RPM पे कोई से घर पे लो आई के कबल चलाना चाहिए? वो तो गेट देखे धरती को, जब अब गेट हो तो भाई जाना पड़ जाए, दूसरा तीसरा में चलाना पड़ जाए। अच्छा अरे ना भाई पहला में चलाना पड़ जाए, रेत के हिसाब से खर्चा, रेत का हिसाब थोड़ा खर्चा होता है उस हिसाब से खर्चा, अब्बल रेत खर्चा है, अब्बल जो तो खुगेड़ हो तो उसमें भाई बजाना पड़ जाए। अच्छा दूसरा भी बालना पड़ जाए, तीसरा भी बालना पड़ जाए। तो मतलब आप अपनी तरफ से और कुछ कुछ बताना चाहोगे वीडियो में कि कंप्यूटर घोड़ी की मशीन के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में? ट्रैक्टर तो भाई बताती थी, ट्रैक्टर तो इसमें जो इतना बड़ा ट्रैक्टर होगा ना। अच्छा 60 हॉर्स पावर लगभग। अच्छा वो ही ज्यादा कामयाब है, बाकी तो खाम खाए जोड़ी अंडा है, खाम खाए मैं भी इसने भी एक एक 2 घंटा काम खातर वो लेके भी ना चले जा, वो लेके भी ना चले जा, मतलब देना इतना डीजल भी कंटिन्यू, मतलब उस ट्रैक्टर से करते हो आप काम? तो तकरीबन ज्यादा ज्यादा काम हो जब मुक्सद करया करो। अच्छा यो तो नू है जैसे पैर में ला लियो चाहू ला लियो भाई, जमींदारों करो अपने इज्जत में, इज्जत ही जमींदारों करो आप, खेती कर लियो आज भी नू 1-2 घंटा काम हो जब वाले जोड़ लिया। अच्छा और कोई कुछ बात बताना चाहो तो आप देख लियो, और के ये पूछो जो भी आपने लागती हो कि सुबह बतानी जरूरी हो कि भाई घोड़ी मरवावे तो के थोड़ी सावधानी या ध्यान रखना चाहिए, घोड़ी में जितना साफ रेत होगो सुथरो रेत होगो उतना बढ़िया काम होगा, तगाजत काम होगा, तगाजत काम होगा, जितना घास होगी और गंग बंग मतलब गले पलट होंगे ना, इच्छा रहो हाँ टेम पास हो ना रेत खचे, रेत खचे। अच्छा तो ये हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने घोड़ी लगवा रहे अपने खेत में, तो बताओ भाई साहब किसा के काम से? एक नंबर काम कर रहा है बंदा, बिल्कुल अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ ना बढ़िया काम कर रहा है। आपने मतलब संतुष्ट हो भाई के काम से?
भाई भर ये बता दो कि क्या कुछ रेट है आपका, मतलब काम करने का। भाई मैं तो लूँ 1000 रुपया, बाकी कोई 800 मार दे 900 मार दे। 900 भी मार दे पहले लिया अगर तो मैं 64-65 रुपया 900 लिया अगर तो ही सर छुलावणी आओगे जब काटोगा के। अच्छा तो पागला काम करके दी हूँ जब याद रखे आस पास का गाँव में तकरीबन मेरा नाम तो नाम न जाना बाकी मन काम जाने काम बढ़िया काम कर रहा है नाम न जाने है नाम न जाना आग भी की वो काम बढ़िया करा भगवालो बढ़िया काम कर बाकी नु कोन्या अग भाई वाई आते ट्रैक्टर को चक्कर कटाना खेत के हिसाब से काम करता अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जब बुद्धा भाई सही बात है भाई 3 दिन से ना हां जी ट्रैक्टर भी सीने मारे मेरे खेत के अंदर पहले घास थी तो घास से वो गोड़ी खचे नहीं फिर 20 मिनट गोड़ी लगा गया फिर बोला भाई रोटावेटर मारवा तो मैंने चीज कहा भाई आप रोटावेटर मारो इसमें इसमें रोटावेटर मारा ऑल द बेस्ट एक नंबर का काम कर दिया सारा और फिर खुद गोड़ी मारने के लिए आया। अब मतलब 20 मिनट हुए चलते हुए लगभग इसने गोड़ी कर दी है। तो अगर आप इस मशीन की फंक्शनिंग के बारे में जानना चाहते हो कि ये मशीन मतलब कैसे वर्क करती है, क्या कुछ ऑपरेट होती है, कैसे होती है, ये देख सकते हो आप। तो इसके लिए ना एक अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो हम इसकी वर्किंग के बारे में आपको डिटेल से भाई से बात करेंगे क्या कुछ कैसे काम करती है ये, और प्रॉपर तरह से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथ।